Honestly, show it. पीने की कैपेसिटी, जीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार साल में कम से कम 4 से 5 फिल्में किया करते हैं। इनकी ये चारों पांचों फिल्में रहती हैं काफी ज्यादा हिट। उनके इस साल की अगर फिल्मों की बात की जाए तो पहले आई फिल्म केसरी, जिसके साथ ही देखा गया अगस्त के महीने में मिशन मंगल को और अब हाल ही में देखा गया हाउसफुल 3 को। इनकी ये सभी के सभी फिल्में काफी अच्छा रिस्पांस लेकर सामने आई। तो वहीं अगर बात की जाए हाउसफुल 4 की तो इस फिल्म ने कमा लिए हैं लगभग 200 करोड़, और ये फिल्म यहाँ पर छप्पड़ फार कमाई करते हुए भी सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर जहाँ दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई थी, तो वहीं इसी बीच तो अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म बेल बॉटम का ऐलान भी कर ही दिया है। ये फिल्म ना ही इस साल आएगी और ना ही अगले साल, बल्कि ये फिल्म आने जा रही है उसके भी नेक्स्ट ईयर यानी कि साल 2021 में, जिसकी रिलीज डेट भी अक्षय कुमार ने जाहिर कर दी और वो है 22 जून। जी हाँ, अनाउंस कर चुके हैं फिल्म का नाम और अनाउंस कर चुके हैं कि आखिर कब फिल्म को रिलीज किया जाएगा। इस पोस्टर के साथ आए हैं सामने अक्षय कुमार की उसे देखकर हर कोई हैरान हो चुका है। पोस्टर को आप देख पा रहे होंगे हमारे इस रिपोर्ट पे। इस पोस्टर को खुद अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया है शेयर। इस पोस्टर को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने इस फिल्म को लेकर जानकारी भी दी है। अक्षय कुमार ने बेल बॉटम का पोस्टर जो शेयर किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि तैयार हो जाइए 80 के दशक की कहानी को देखने के लिए। ये कहानी एकदम ओरिजिनल होने वाली है, बहुत ही हटके होने वाली है और किसी भी फिल्म का अडेप्टेशन नहीं होगी। एक रियल कहानी आप सभी के सामने 80s के दशक की अक्षय कुमार पेश करने वाले हैं। तो वहीं इस फिल्म में रेट्रो लुक में आप सभी को नजर आएंगे अक्षय कुमार, जिसकी तैयारियां वो भरपूर कर रहे हैं। हर फिल्म की तरह उनका इस फिल्म में भी लुक गेटअप हद से ज्यादा बदला हुआ होने वाला है। जो पोस्टर अक्षय कुमार ने शेयर किया है उसमें उनका लुक बहुत ही ज्यादा रेट्रो है। ये कहीं ना कहीं उनका लुक नजर आता है वंस अपॉन अ टाइम मुंबई 2 के लुक के साथ भी, यानी कि काफी हद तक मिलता है। वो कहानी भी उसी दशक के करीब की है और ये कहानी भी उसी दशक के करीब की होगी। और 80 के दशक की ये कहानी में अक्षय कुमार के इस पोस्टर में उनके इस लुक के साथ रेट्रो कार भी नजर आई है, जो बहुत ही ज्यादा शानदार दिख रही है। और इस कार पे बैठे हुए हैं अक्षय कुमार। वह अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम में आने में अभी काफी ज्यादा वक्त है, लगभग 1 साल से भी ज्यादा का। लेकिन इसी बीच आने वाली है अक्षय कुमार की और भी तमाम फिल्में, जिसमें है गुड न्यूज, पृथ्वीराज चौहान, साथ ही आएगी लक्ष्मी बॉम्ब, बच्चन पांडे और भी कुछ फिल्मों के नाम लिए जा चुके हैं जो साल 2019 के अंत तक सामने आएगी और साल 2020 में पूरी तरह से छाती हुई दिखाई देगी। अक्षय कुमार की इन सभी आने वाली फिल्मों का इंतजार तो भरपूर किया जा रहा है, जिनके पोस्टर्स बहुत ही वक्त पहले सामने आ गए थे। तो वहीं इस फिल्म का यानी कि बेल बॉटम फिल्म का इंतजार भी अब किया जाने वाला है, क्योंकि पोस्टर को काफी ज्यादा पसंद किया जा चुका है। पोस्टर को लेकर आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएगा। अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 आप सभी को कितनी पसंद आई है ये भी कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।